नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी बहस में। आपके साथ मैं हूं नेहा पन। देश के बड़े शराब कारोबारी और रियल एस्टेट कारोबारी पोंटी चड्ढा की शनिवार को हत्या कर दी गई। हत्या उनके भाई हरदीप की भी हुई। हत्या कैसे और क्यों हुई, इस पर पुलिस की जांच जारी है। पोंटी की हत्या से सनसनी मची हुई है, क्योंकि 6,000 करोड़ का कारोबार संभालने वाले पोंटी सबके थे। यूपी में मुलायम सरकार के जमाने में अपनी जड़ें जमाई थी, तो मायावती सरकार के रहते हुए भी उनका कारोबार खूब फलता फूलता रहा। अखिलेश यादव की सरकार भी उन पर मेहरबान थी। सवाल यही है कि क्या 6,000 करोड़ के कारोबारी पोंटी को नेताओं ने ही बनाया था? उसको हटाने का अब रास्ता निकालेंगे, क्योंकि मैं राजनीतिक कारणों से किसी को नहीं हटाता। एक अवधि होती है किसी की, नामदारी की अवधि भी बाकी थी, लेकिन अब जो शिकायतें आई हैं उस पर शासन कार्रवाई करेगा। पोंटी चड्ढा हत्याकांड के बाद उत्तराखंड के अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सुखदेव सिंह नामधारी की छुट्टी तय मानी जा रही है। नामधारी पर कई आपराधिक मुकदमे हैं, लेकिन बीजेपी सरकार में आए नामधारी कांग्रेस सरकार में भी बने रहे। दरअसल नामधारी पोंटी के करीबी थे और शनिवार को हुई घटना के वक्त पोंटी के फार्म हाउस में ही थे। सूत्र बताते हैं कि फायरिंग उनके सुरक्षा गार्ड्स ने भी की थी और पुलिस उनसे पूछताछ कर चुकी है। इसी के साथ पोंटी की नेताओं से नजदीकियों से जुड़े सवाल फिर सामने आए थे। पोंटी शराब के कारोबार से ही सत्ता के गलियारों में दाखिल हुए और फिर सरकारें भले ही इधर उधर हो गईं, लेकिन पोंटी फलते फूलते रहे। यूपी हो या पंजाब, उत्तराखंड, मायावती हो या मुलायम सिंह, ये पार्टी हो या वो पार्टी, गुरदीप सिंह चड्ढा और पोंटी के लिए ये सब कभी कोई फिक्र की बात नहीं थी। यूपी की पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त खुद मुख्यमंत्री रहते हुए मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ में पोंटी के वेब मॉल कम मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन किया और इसी के साथ पोंटी का यूपी की सत्ताधारी पार्टी में रसूख सामने आया। पोंटी की जड़ें यहीं से जमी। मुलायम पर इस प्रोजेक्ट को कई रियायतें देने के भी आरोप लगे थे। इसके बाद बनी मायावती की सरकार, लेकिन पोंटी तो मुलायम से भी ज्यादा मायावती के करीबी हो गए। आरोप है कि मायावती सरकार ने 2009 में उत्तर प्रदेश में शराब की होलसेल और रिटेल सप्लाई के ठेके एकतरफा तौर पर पोंटी की कंपनी को दे दिए। पोंटी ने जैसे राज्य की आबकारी नीति तक बदलवा दी और पहली दफा शराब की दुकानों के नवीनीकरण की परंपरा शुरू करवाई, जबकि इससे पहले लॉटरी के जरिए शराब की दुकानों का आवंटन किया जाता था। आबकारी विभाग के अफसरों की तैनाती में भी उसकी मर्जी चलने लगी। साल 2009 में ही पोंटी की कंपनी ग्रेट फूड वैल्यू को मिड डे मील की सप्लाई का भी ठेका मिल गया। आरोप लगा कि जानबूझकर ऐसी शर्तें बनाई गईं जिसे पोंटी की ही कंपनी पूरा कर सकती थी। बाद में ये मामला कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए ठेके के आवंटन पर सवाल उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सप्लायरों या कॉरपोरेट कंपनियों को इस काम से अलग रखने को कहा था। जाहिर है पोंटी का साम्राज्य सबसे अधिक मायावती के मुख्यमंत्री काल में बढ़ा। आरोप तो 3 तिकड़म से चीनी मिले हथियाने का भी है। सीएजी की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2010 में राज्य की सहकारी क्षेत्र की 21 चीनी मिले औने पौने दाम पर बेची गईं, जिनमें से 5 पोंटी की कंपनी ने हथिया ली। आरोप है कि नीलामी की शर्तें ऐसी थी कि सिर्फ 2 कंपनियां ही नीलामी में शामिल हो पाई, जिसमें एक पोंटी चड्ढा की थी। इसके बाद हाल ही में प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सरकार आई, लेकिन पोंटी के कारोबार का फलना फूलना जारी रहा। शराब के ठेके तो कायम रहे ही, कई और काम भी हाथ लग गए। बताया जाता है कि पंजाब में भी कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के कई नेताओं से उसके करीबी रिश्ते रहे। पंजाब में उसके कई कारोबार हैं। हाल ही में पोंटी की बेटी की शादी हुई थी, जिसमें सत्ता से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने शिरकत की थी। तो बड़ा सवाल ये है कि पोंटी चड्ढा, जिनके सरकारें भले ही बदली हों लेकिन उनके रसूख में कोई असर नहीं आया, सबके थे वो, तो क्या नेताओं ने ही पोंटी चड्ढा को बनाया, इतना ऊंचा कद पोंटी चड्ढा का किया? सभी खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय राय, साथ ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता यशवंत सिंह साहब इस चर्चा में जुड़ गए हैं। इसके अलावा गौरव कंठ साहब, हरदीप सिंह के एडवोकेट, हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। साथ ही अरविंद सिंगला, शराब कारोबारी और पोंटी चड्ढा के दोस्त भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण साहब हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं और साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यशवंत सिंह जी,
ये समाजवादी पार्टी की ही सरकार थी जो मायावती की सरकार से पहले आई थी, और कहा जाता है तभी से आपकी जो सरपरस्ती थी आपकी सरकार की वो पोंटी चड्ढा पर बनी और उसके बाद पोंटी चड्ढा का अच्छा वक्त शुरू हो गया। नहीं, ऐसा है कि पोंटी चड्ढा पर सरपरस्ती समाजवादी पार्टी की सरकार की या उसके नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव की नहीं बनी। देखिए, सरकार बनती है जनता के काम के लिए, और जनता के काम करने में सरकारी कर्मचारी हो व्यापारी हो उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। हम सरकार अपनी नीतियों से चलती है, उस नीतियों का लाभ जो बेहतर अधिकारी होता है वह बेहतर काम करता है बेहतर प्रशस्ति पत्र पाता है, अच्छा व्यवसायी होता है बढ़िया काम करता है मुनाफा कमाता है और उसकी ग्रोथ होती है और बढ़ता जाता है जी। लोग अपनी क्षमता के बदौलत नेता होते हैं, अपनी क्षमता के बदौलत व्यापारी होते हैं, अपनी क्षमता के बदौलत अधिकारी होते हैं, अपनी क्षमता के बदौलत बेहतर दुनिया का बड़ा पत्रकार होता है। गांव की जमीन में पैदा हुए झोपड़ी में लोग बड़े बड़े महलों पर कब्जा करते हैं, वह प्रधानमंत्री की गद्दी हो राष्ट्रपति की गद्दी हो अनिल अंबानी जिस परिवार से जुड़े हैं उस परिवार को भी आपने तो आप देखा कह रहे होगा कि पोंटी चड्ढा पर किसी तरह का कोई आशीर्वाद या सरपरस्ती नहीं थी मुलायम सिंह यादव की सरकार की। ये तो पोंटी चड्ढा क्योंकि बहुत अच्छे व्यवसायी थे और बनता था उनका, इसीलिए उनको वो जो प्रोजेक्ट जिसमें रियायत की बात की जा रही है वो दिया गया था। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी गौरव कंठ साहब, क्या वाकई में तस्वीर ऐसी ही है जिस तरह का यशवंत सिंह जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं नेताओं का हाथ पोंटी चड्ढा के ऊपर था और इस वजह से उनका कारोबार इतना फला फूला? जी, जहां तक मुझे निजी ज्ञान है मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं कि ये पॉलिटिशियंस के सपोर्ट से ये फला फूला है या नहीं। मैं सिर्फ हरदीप चड्ढा जी का वकील रहा हूं और उसी सिलसिले में मेरी उनसे मुलाकात हुई है और मेरी डीलिंग्स रही है उनसे। लेकिन जो पोंटी चड्ढा के राजनेताओं से संबंध रहे हैं, आपको लगता है कि वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते रहे हरदीप सिंह से अगर कोई समझौते की बात हो रही थी, या उसका कहीं असर आपको दिखता था? मुझे नहीं लगता है। आई थिंक किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए पॉलिटिशियंस का सपोर्ट होना या उनका सद्भाव होना वो आई थिंक जाहिर है, ये तो हर पॉलिटिशियन के साथ रहता है, बिजनेस तो साथ ही होता है, स्टेट का सपोर्ट तो रहना ही रहना चाहिए, स्टेट उन्हें सिक्योरिटी देता है, स्टेट उन्हें सपोर्ट करता है। लेकिन विनय राय साहब, क्या ये इतना आसान है? स्टेट ठीक है सपोर्ट करता है छोटे बड़े व्यवसायी जो होंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर। लेकिन पोंटी चड्ढा के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कई तरह के फेवर्स दिए गए, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार में हो या मायावती की सरकार में। देखिए, मैं इसमें दो चीज बता दूं, पोंटी चड्ढा के ऊपर मेहरबानी सिर्फ मुलायम सिंह या मायावती की ऐसा नहीं है। उनकी अगर शुरुआत थोड़ा और पहले ले जाएं तो लोकतांत्रिक कांग्रेस के बलबूते पे जब कल्याण सिंह की सरकार बनी थी तो इनको उत्तराखंड में गंगा नदी से निकालने बोल्डर निकालने का 12 किलोमीटर का ठेका दिया गया था। लेकिन बोल्डर निकालते निकालते उसमें खनन का काम इन्होंने शुरू कर दिया, बाद में शिकायतें हुई उसको रोका गया, लेकिन जिस तरीके से फिर सरपरस्ती बदलती गई उसमें पोंटी चड्ढा का एक डायलॉग मुझे अच्छी तरह से याद है कि बोला करते थे कि नेता को वोट और नोट दोनों चाहिए, लेकिन बिजनेसमैन को सिर्फ नोट चाहिए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर नेता को चुनाव लड़ना है तो उसे नोट की जरूरत है। और वो इस मामले में बड़े ईमानदार थे कि जितनी उनका कमिटमेंट होता तो पूरा करते थे, इसीलिए वो मुलायम सिंह के भी चाहते थे, मायावती के भी चाहते थे। आपको याद होगा खासतौर से चुनाव अभियान के दौरान जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी अपने बने हैं युवराज की तरह से, उन्होंने कहा था कि शराब की रेट बढ़ा दी गई, रात की दवा महंगी कर दी गई, तो लगा कि जब सत्ता बदलेगी तो सख्त हो जाएंगे पोंटी चड्ढा के ऊपर। लेकिन सरकार बदलने के 8 महीने के अंदर आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनकी भी मेहरबानियां बरसी। आपके बगल में जो नोएडा सिटी सेंटर बना उसको पहले किस तरह से रोका गया, फिर कैसे उसको क्लियर किया गया, खेत मिड डे मील का मामला जिस तरीके से आया उसका टेंडर उनको दिया गया। तो ऐसा नहीं कि सारी खूबियां पोंटी चड्ढा में नहीं थी, लेकिन बिजनेसमैन को लगता है कौन उनके कमिटमेंट को पूरा करता है। पोंटी चड्ढा शायद बहुत अच्छी तरह से समझते थे राजनेताओं को। यशवंत सिंह जी, इससे पहले कि मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे। जो बात यहां पर विनय राय साहब ने कही कि पोंटी चड्ढा कहते थे कि नेता को वोट और नोट चाहिए, तो आपको लगता है वो इतनी अच्छी तरह से राजनेताओं को समझते थे कि राजनेताओं की मेहरबानी उन पर बनी रहती थी? देखिए, यह चीज केवल व्यवसायी और नेता पर लागू नहीं होती है, पत्रकार भी जो होते हैं, जो मीडिया होती है, उसको भी पूंजी की जरूरत पड़ती है, खेती करने वाले किसान को भी पूंजी की जरूरत पड़ती है। लेकिन इसी आधार पर किसी व्यक्ति का आकलन नहीं किया जा सकता है कि कौन कितना बड़ा हो गया।
अब आप ये बताइए कि बड़े बड़े अट्टालिकाओं में पैदा होने वाले लोग दिवालिया होते हैं और झोपड़ियों में पैदा होने वाले लोग बड़ी बड़ी जगहों पर कब्जा करते हैं, तो यह हम मानते हैं कि जो ऊंचाई को छूता है वो व्यक्ति की काबिलियत। जसवंत सिंह जी, आपसे एक छोटा सा सवाल आता है, जब भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर बढ़ता है, जसवंत सिंह, भ्रष्टाचार तो किसी सरकार का हो सकता है, किसी जमाने में हो सकता है। आप ये मानने को तैयार नहीं है कि छोटा सवाल पूछिए, ये आपका, जसवंत सिंह जी आप प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री रहे हैं, किस तरीके से पॉलिसी को बदला गया खुद पोंटी चड्डा के लिए मायावती के जमाने में? क्या सिर्फ उनके हुनर और बिजनेसमैन का तरीका था, या उसके लिए कोई फायदा भी देखा गया होगा सरकार की तरफ से? विनय जी, आप यही लखनऊ में पत्रकार थे उस जमाने में जब श्री सूर्य प्रताप शाही आबकारी मंत्री थे, मैं उनका राज्य मंत्री था, और इन बड़े उद्योगपतियों ने जब दबाव बनाया कि हम निम्न शर्तों पर ही ठेका लेंगे, तो हम लोगों ने उस शर्त को तोड़ दिया था और कहा था कि सरकार कभी किसी उद्योगपति के दबाव में नहीं चलती है, सरकार चलती है नियमों से, और नियमों के आधार पर हम लोगों ने एक एक दुकान का अलॉटमेंट करवाया था, टेंडर पड़ा था, लॉटरी निकली थी, और उसमें पोंटी चड्ढा से बड़े बड़े ठेकेदार जवाहर जायसवाल, बद्री जायसवाल और अशोक बाडिया थे। लेकिन ये समय का खेल है, मेहनत का और करिश्मा है कि उसने अपनी ऊंचाई प्राप्त कर ली। बाद में बहुजन समाज पार्टी राजनाथ सिंह के जमाने की बात हो रही है। हमने आपसे सरल सवाल पूछा, आपने खुद कहा कि सिंडिकेट, जसवंत सिंह जी आपने खुद कहा सिंडिकेट को तोड़ने के लिए आपने लॉटरी सिस्टम को अपनाया था, लेकिन क्या कारण था कि पूरे स्टेट का ठेका पोंटी चड्ढा को दिया गया केवल उनके बिजनेस के हुनर को देखते हुए? कोई लाभ इसमें इन्वॉल्व नहीं था? नहीं विनय जी, वो तो वो सरकार ही केवल पैसा बटोर रही थी, तो पैसे का जो जितना बड़ा एजेंट मिला उसको उसने उतना गिफ्ट दिया, और केवल पोंटी चड्ढा को थोड़ा दिया, उसमें क्या जेपी ग्रुप को नहीं दिया, उसने किन किन लोगों को दिया उसकी संख्या तो बहुत बड़ी है। तो ये परंपरा तो आपने भी, पोंटी चड्ढा तो एक झोपड़ी से पैदा होकर, लेकिन यशवंत सिंह साहब ये कह रहे हैं कि मायावती सरकार में ये सिर्फ पोंटी चड्ढा को ही नहीं और भी पैसे वाले कारोबारियों को दिया गया, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि उससे पहले मुलायम सिंह यादव की जो सरकार थी उसमें ऐसा कोई फेवर नहीं दिया गया, उसमें अगर पोंटी चड्ढा ऊंचाइयों पर पहुंचे तो वहां सिर्फ सरकार ने उनकी मेहनत देखी। लेकिन बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरविंद सिंगला साहब जो कि पोंटी चड्ढा के दोस्त हैं, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण साहब, इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सच्चाई क्या है, क्या पोंटी चड्ढा को वाकई में नेताओं ने बनाया गया। तो जिस मुद्दे पर हम आज चर्चा कर रहे हैं वो यही है कि क्या पोंटी चड्ढा को नेताओं ने बनाया। सभी खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। विनीत नारायण साहब, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से पोंटी चड्ढा का कारोबार आगे बढ़ा और जिस तरह से नेताओं के साथ वो लगातार संपर्क में रहता था, जो नजदीकियां थी, सवाल ये उठता है कि क्या नेता व्यवसायी को बनाते हैं या व्यवसायी नेता को? जैन हवाला कांड की डायरियों से लेकर अब तक नहीं, अब पूरे देश में, जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे ब्रेक के टाइम, पूरे देश में हर राज्य में एक पोंटी चड्ढा है, और सिर्फ पोंटी चड्ढा ही नहीं है, आप सारे कारोबार में देख लीजिए, हर मुख्यमंत्री का एक पोंटी चड्ढा है, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे बिल्डर्स माफिया हो, चाहे फॉरेस्ट माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो ड्रग माफिया हो, चाहे वो आर्म्स माफिया हो, इस तरह का एक ये नेक्सस बन गया है कि जब तक आप राजनेताओं के साथ, अब तो पहले तो होता था कि कमीशन लेते थे, अभी तो हो गया पार्टनरशिप कि साहब फलाने मंत्री के बेटे को इतने हिस्से का परसेंटेज का पार्टनरशिप दे दीजिए, फलाने प्रॉफिट में इतना पार्टनरशिप दे दीजिए फलाने, और पहले था कि नेता डिपेंडेंट रहते थे इस तरह के लोगों पर कि वो पैसा देंगे और उससे राजनीति चलेगी, अब उल्टा हो गया है कि नेताओं के पास ही इतना पैसा हो गया कि वो इस तरह के कारोबार में इन्वेस्ट कर देते हैं। अभी यही घालमिल पता नहीं चलता कि वो पैसा इंटरप्रेन्योर का है कि वो राजनेता का है, तो ये तो बहुत ही एक एस्टेब्लिश्ड चीज हो चुकी है इस देश में, और इसीलिए जब कभी करप्शन की बात उठती है, लोकपाल का मुद्दा चला पिछले साल, बहस में हम लोग रहते थे टेलीविजन चैनल्स पे, ये बात बार बार आती थी कि खाली किसी एक एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने से इस मामले से निपटा नहीं जा सकता, इतना बड़ा नेक्सस बन चुका है कि इसको बहुत इसमें पता नहीं चलता कहां पैसा नेता का लगा है और कहां व्यवसायी का लगा है और कौन किससे फेवर ले रहा है। हमारे साथ अरविंद सिंगला साहब भी मौजूद हैं जो कि पोंटी चड्ढा के दोस्त हैं। अरविंद जी, आप किस तरह से इसे देखते हैं, पोंटी चड्ढा जिस तरह से ऊंचाइयों पर गए, जिस तरह उनका कारोबार रहा है, किस हद तक आपको लगता है कि नेताओं ने पोंटी चड्ढा को उस स्तर तक, उस लेवल तक पहुंचाया? देखिए ऐसा है, कई बार अपना जितनी भी स्टेट्स है लिकर को नहीं प्रमोट करना चाहती ज़्यादा,
और उसको रेट कम रखना नहीं चाहती हैं, ज्यादा रखने चाहती हैं रेट को, तो उस रेट के चलाने के लिए उन्हें मोनोपोली में बिजनेस देना पड़ता है, इकट्ठा करके बिजनेस देना पड़ता है। तो ये पोंटी जी के पास मैन पावर भी थी और इतनी बड़ी बिड देने के लिए इनके पास इजी बिड भी दे सकते थे, ये इजीली इसीलिए ये काम ज्यादा ले पाते थे। तो इसका बेनिफिट तो सभी को मिलता ही था, फिर जब बड़ा बिड लेंगे तो पोंटी जी को भी बेनिफिट होता था। लेकिन अरविंद जी ये बात लेकिन इतना आसान नहीं है ना, शराब के कारोबार में इतने लोगों के पास इतना पैसा है कि मैं नहीं मान सकता कि अकेले पोंटी चड्डा यूपी के अंदर या पंजाब में भी आपके इतना बड़ा बिड अकेले अपने दम पर वो भी लगातार ले जाते हैं। इनके पास देखिए इसमें मैन पावर भी देखी जाती है, जैसे पूरा पूरा स्टेट लेना है उसके लिए बहुत सा पैसा रिक्वायरमेंट चाहिए होता है, तो हर आदमी नहीं चाहता कि हर आदमी नहीं ले सकता पूरी स्टेट को। तो इनको इतने सालों से ये जुड़े हुए थे इस ट्रेड में, तो इनके पास हजारों आदमी थे, तो इनके लिए आसान था। जब पूरी स्टेट का काम लेंगे तो फायदा तो देखो होगा ही होगा इनको भी, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आज की डेट में लिकर को प्रमोट करें सस्ती की। विनय राय जी वो कह रहे हैं कि इतने वक्त से स्टेट में थे तो फायदा तो होना ही था, शायद कॉन्टैक्ट्स थे या इस तरह का, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका फायदा मिला। नहीं, देखिए जिस तरीके से अभी इसके पहले जसवंत सिंह जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व एक्साइज राज्य मंत्री भी हैं, वो बता रहे थे कि तमाम शराब माफिया हुआ करते थे, बद्री जसवाल का उन्होंने नाम लिया, जवाहर जसवाल का नाम लिया, वो लोग भी इसी धंधे में थे, लेकिन सरकार का संरक्षण उन्हें ठीक से हासिल नहीं हुआ इसलिए बड़े नहीं बन पाए वो, बल्कि धीरे धीरे नीचे के कगार पर आ गए। इनको सरकार का पूरा संरक्षण मिला, 5 साल पूरा मायावती, उसके पहले पूरे मुलायम सिंह यादव, और फिर अभी तो 8 महीने की नई नई सरकार थी, लेकिन इनका भी संरक्षण कहीं कहीं धीरे धीरे वो हासिल कर चुके। शराब ठेके देने के जो नियम है वो उनमें बदलाव किया गया कि सिर्फ पोंटी चड्डा के लिए, सिर्फ एक व्यक्ति के लिए अगर कोई नीति बदल दी जाए तो आप समझ सकते हैं सरकार उस पर कितनी मेहरबान होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप अकेले अपने बलबूते अपने मैन पावर पर बिजनेस करने उतरे हैं तो आपको थोड़ा बहुत डर होता है, लेकिन अगर सरकार का संरक्षण हासिल है तो सरकार भी अपना मैन पावर देती है, उसकी पुलिस आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है, उसके खिलाफ अगर आप शिकायत करते हैं तो पुलिस सुनती नहीं है। तो पोंटी चड्ढा के साथ पूरा सिस्टम इन्वॉल्व था, जिस तरीके की बात हो रही थी कि नेता और बिजनेसमैन एक साथ पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पोंटी चड्ढा दोनों मिलकर के सरकार और बिजनेस में मिलकर काम कर रहे थे, उसमें कोई पार्टी अछूती नहीं है। बिल्कुल, और इसी वजह से शायद पोंटी चड्ढा का कारोबार इतना फला फूला। एक बात ये भी थी कि सरकारें राज्य की बदलती गई, लेकिन पोंटी चड्ढा को छोटे मोटे मुश्किलें जरूर बीच में आई, लेकिन फिर भी हर नई सरकार के साथ उनका रिश्ता पटरी पर आया और इस तरह से उनका कारोबार आगे बढ़ता ही गया। इस पर यशवंत सिंह जी से भी बात करेंगे, बाकी सभी खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि क्या पोंटी चड्ढा को नेताओं ने बनाया, सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। यशवंत सिंह साहब, सवाल यहां पर यह उठता है कि जिस नेक्सस की बात हो रही है नेता और व्यवसायियों के बीच, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि पोंटी चड्ढा के बारे में भी अगर बात की जाए तो सिर्फ वो एक शराब कारोबारी है ये कहकर के मामले को खत्म नहीं किया जा सकता। शराब कारोबारी है, उनको चीनी की मिलें भी बेची गई, इसके साथ मिड डे मील का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला, और इतना लंबा चौड़ा कारोबार वो चला रहे थे। जैसे कि विनय राय साहब कह रहे थे कि ये अकेले आदमी के लिए तो ये संभव नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं राजनेताओं का संरक्षण होना भी लाजमी सी बात है। देखिए, राजनेता व्यवसायी होता है ये आपकी मीडिया से हम सुन रहे हैं, और इतनी काबिलियत होती तो दूसरे को क्यों काम करने देता, हो तो आसानी से कर लेता, उसी गद्दी पर बैठा हुआ है। सबके अपने अपने गुण हैं, हम चाहें कि हम पत्रकार हो जाएं तो हम पत्रकार तो हो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको बोलने का सहूर ही नहीं आएगा जो सहूर की जरूरत मीडिया के लोगों को होती है। जिस तरह अधिकारी को काम करने की काबिलियत होती है इंटरव्यू देकर के आता है वो उसकी काबिलियत। लेकिन यशवंत सिंह साहब, क्या इतना सरल है मामला? अगर आप इसको एक आप इसको ध्यान से देखने की भी कोशिश करें। विनय राय जी जो बात कह रहे थे उस बात से मैं भी सहमत हूँ। ब्लैक मनी चाहे वो अधिकारी की हो, चाहे पत्रकार की हो, चाहे व्यापारी की हो, वो कहीं न कहीं लगती है, और आज से नहीं लग रही है, ये हमेशा लगती रही है। दूसरी चीज, माफिया शब्द हम इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते कि हमारे यहाँ सरकारें चलती हैं और सरकारों का कहना है कि किसी व्यक्ति को ठेका पट्टा नहीं मिल सकता है अगर वो माफिया है। अगर माफिया है और उसको ठेका मिल रहा है तो सरकार नहीं है, अधिकारी नहीं है, पुलिस के अधिकारी नहीं है,
और हम आपको ये न्योता देते हैं कि इस तरह के लोगों का नाम उजागर करना चाहिए, उनके आंकड़े प्रस्तुत करना चाहिए, उन अधिकारियों को दंडित किए जाने के लिए आपको पहल करना चाहिए जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि ये संभ्रांत नागरिक हैं, ये योग्य हैं और इनकी योग्यता पर कोई सवाल नहीं है। आपकी इस बात पर विनय राय साहब प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। इस तरह का सर्टिफिकेट बड़े बड़े व्यवसायी पाते हैं। देखिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनता है यशवंत सिंह जी, आपको भी बेहतर पता है, इसलिए सर्टिफिकेट देने के नजीर पर अगर चले जाएंगे तो इतना बड़ा एनएचआरएम घोटाला, मनरेगा घोटाला, ये सब होता ही नहीं प्रदेश के अंदर। तो आपको भी पता है कि जो खाना, जो अनाज गरीबों के लिए गया था, काम के बदले अनाज दिया जाएगा, वो सारा बांग्लादेश पहुंच गया। तो घोटालों का इतिहास बड़ा पुराना है। और जहां तक पोंटी चड्ढा के कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो किसी बाहुबली और माफिया का राज इतना ज्यादा होता है कि उस पर आम आदमी उंगली उठाने का साहस नहीं जुटा पाता है। हम ये बात ही नहीं कर रहे, हमारा सिर्फ इतना कहना है कि पॉलिटिकल संरक्षण इन व्यवसायियों को हासिल है, इस बात से आप भी इंकार नहीं करेंगे, वरना इतना कोई फल नहीं सकता। हमने अंग्रेजों के जमाने को देखा है और गांधी ने लंगोटी पहन करके इस देश से अंग्रेजों को भगा दिया। अगर हम इस तरह असहाय और अपने को असहज महसूस करने लगेंगे तो इन लोगों का राज बढ़ता जाएगा। हम इच्छा शक्ति वाले लोग हैं। और आप जानिए विनय राय जी, आपकी उम्र कम रही होगी, इस देश में घटनाक्रम से व्यवस्था बदलती है। जयप्रकाश ने पैदा किया पता नहीं देश में कितने कितने बड़े नेताओं को, टाटा बिरला डालियां बड़े हुए। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, आपके जो राजनीतिक गुरु थे चंद्रशेखर जी, उनका एक एग्जांपल देना चाहता हूं। इन प्रक्रिया पर किसी के बढ़ने पर किसी को आरोपित करने का हक नहीं है। नहीं, चंद्रशेखर जी आपके राजनीतिक गुरु भी रहे हैं, आपके आदर्श भी हैं, उन्हीं का एक एग्जांपल देना चाहता हूं। उनसे मैंने एक इंटरव्यू किया था, एक जमाने में धीरू भाई अंबानी साहब उसमें जिंदा हुआ करते थे, उसके संदर्भ में जब इंटरव्यू लेने के लिए गया था तो उन्होंने कहा था इसको चलाओगे कहां पर, किस चैनल पे चलने वाला है। हमने कहा इंटरव्यू लेने आया तो चलेगा ही कहीं ना कहीं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मैं रहा हूं देश का, मुझे पता है क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, लेके तो जा रहे हो चलेगा नहीं, और दुर्भाग्य मैं कहूंगा कोई इंटरव्यू नहीं चला। इसलिए आप जानते हैं कि नेताओं के सिंडिकेट व्यवसायियों किस तरीके के हैं, ऊंचे लोग हैं तो ऊंचे लोगों से पकड़ है, जिस लेवल पे जो माफिया है, जिस तरह से जो उद्योगपति काम करता है उसके सिंडिकेट उस तरह से बने हुए हैं प्रदेश के अंदर। लेकिन विनय राय जी, पोंटी चड्ढा गांधी और जयप्रकाश नहीं है कि उनका डायलॉग कहीं कोर्ट किया जाए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, हमारे साथ हैं विनीत नारायण जी, आप भी मुरादाबाद से हैं और पोंटी चड्ढा भी मुरादाबाद से, उनकी शुरुआत हुई तो आपने उनको उस समय से देखा है रैग्स टू रिचेस बनते जी, तो आपने उनके करियर के अंदर कैसा हाथ रहा नेताओं का आप बताइए। देखिए मैं तो मुरादाबाद से बहुत पहले करीब सन 78 में दिल्ली आ गया था, लेकिन बचपन मेरा जरूर मुरादाबाद में गुजरा। और उस वक्त मुझे याद है कि शायद सन 67 की बात होगी, इम्पीरियल सिनेमा मुरादाबाद में है, उसके सामने इनकी पहली शराब की दुकान खुली थी और उसके कुछ वर्षों बाद इनका पहला सिनेमा हॉल चड्ढा सिनेमा हॉल के नाम से खुला था। उससे पहले ये लोग शराब के व्यापारी नहीं थे, एक शराब का व्यापारी वहाँ तोतला करके एक व्यक्ति हुआ करता था, खत्री था वो। लेकिन जब इन लोगों ने शराब का काम शुरू किया तब से वो तोतला शहर छोड़ के चला गया, कभी लौटा नहीं, उसके बारे में कुछ पता नहीं लगा। और उसके बाद इनका कारोबार, फिर इन्होंने ज़मीनों के काम किए मुरादाबाद के आसपास, काठ रोड पर बिजनौर उधर कुछ प्लॉट स्लॉट काटे, और बाद में फिर ये शराब के काम में और चीनी के मिलों के काम में, चीनी के काम में बहुत आगे चले गए, तो कारोबार इनका बढ़ता गया। लेकिन इसमें जो विजय, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अभी नेहा चर्चा कर रही थी, इतना बड़ा कारोबार चलाने के लिए बहुत बड़ी मैन पावर की ज़रूरत होती है। अब जैसे पोंटी चड्ढा के बारे में एक बात शायद कम लोगों को मालूम होगी कि जिस तरह एक्साइज डिपार्टमेंट में छापामारी के लिए दस्ते होते हैं, ऐसे ही पोंटी चड्ढा के पास अपने छापामारी दस्ते थे, हर जिले में गाड़ी देकर अधिकारी नियुक्त किए गए थे प्राइवेट, और उनके पास पूरी एक टीम होती थी जिसका काम था कि हरियाणा से सस्ती शराब अगर आ रही है तो पकड़वाना पुलिस को, अगर नकली शराब कोई और बेच रहा है उसको पकड़वाना, और अगर इनके शराब के दाम के बिक्री में कोई हेरा फेरी हो रही है तो उसकी रिपोर्ट करना, और इन सब दस्तों के ऊपर निगरानी रखने के लिए दिल्ली में एक दस्ता रहता था बड़ा, जो कभी भी कहीं पहुंच सकता था। तो इस तरह इतना बड़ा नेटवर्क पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, हजारों लोग इसमें इन्वॉल्व। इसलिए अब समस्या ये है, सवाल ये है कि एक तरफ तो ऐसे में इतना बड़ा नेटवर्क इन्वॉल्व, तो आपको लगता है कि जो भी सरकार हो तो उनके लिए भी सुविधाजनक हो जाता है ऐसे आदमी से डील करना?
हाँ वो तो बात अभी आ ही रही थी कि अपने पूर्व मंत्री जी बात कह रहे थे कि भाई जितना बड़ा कारोबार होगा, जितनी बड़ी क्षमता होगी, जितनी बड़ी बोली लगा सकेगा उसको बड़ा कारोबार। ये तो देखिए एक कहावत है कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो सफलता के अगर आप सारे हथकंडे अपनाते हुए सफल हो जाए आप बड़े नेता बन सकते हैं। बड़े हम तो कहते हैं आपकी बात से सहमत हैं सिंह साहब की कि पत्रकारिता में भी हमने देखा है कि जो आदमी सब हथकंडे अपनाता हुआ आगे बढ़ता है वो बहुत बड़ा पत्रकार बन जाता है। उसको पद्मश्री मिल जाएगी, वो राज्यसभा में नॉमिनेट हो जाएगा, वो विदेश में राजदूत बना दिया जाएगा। तो ऐसा ये सब जगह जो आदमी भी अपने मूल्यों को ताक पर रखकर आगे बढ़ने को तैयार है उसको सफलता कहीं रोकती नहीं। पर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग जो इस पूरे कारोबार के नेटवर्क से जुड़े होते हैं वो इसके प्रशंसक होते हैं। आज अखबारों में आप देखिए श्रद्धांजलि, तो एक तरफ तो हम भ्रष्टाचार को लेकर दुख प्रकट करते हैं, हम माफियागिरी के खिलाफ बोलते हैं, हम राजनीतिक पतन की बात, और दूसरी तरफ समाज भी उन्हीं की प्रशंसा करता है, उन्हीं का यशगान करता है जो सफल होते हैं, चाहे आप सफल नेता हो, चाहे सफल उद्योगपति हो, और चाहे सफल पत्रकार। बिल्कुल, हमारे साथ पोंटी चड्ढा के दोस्त अरविंद सिंगला भी लगातार मौजूद हैं। अरविंद जी, आपने सभी लोगों को यहाँ पर सुना, एक बात जो निकल कर आ रही है वो ये कि पोंटी चड्ढा जिस तरह से वो जिस स्तर पर सफल थे, जितना बड़ा उनका कारोबार था, जितने लोग उसमें शामिल थे, फर्क नहीं पड़ता था चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, सरकारें बदलती रहे लेकिन जो सरकार आती थी वो भी उनका रसूख देखती थी और फिर उसके बाद किसी तरह की दिक्कत नहीं होती थी पोंटी चड्ढा को राज्य सरकार के साथ मिलकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में। देखिए यूपी के बारे में तो नहीं कह सकता मैं, पंजाब में जब यहां पे हमने ठेके लिए थे पोंटी चड्ढा जी के साथ, तब यहां पे जो कच्ची शराब निकलती है हमने वही हजारों आदमी रखे यहां पे, हजारों आदमी रखने के बाद कच्ची शराब को बंद किया गया और पूरे स्टेट ही जब हमारे पास थी तो ठीक है, कच्ची शराब बंद होने के बाद हमने कमाई भी की उसके साथ। तो बहुत सारी वही बात है, मैन पावर जुड़ी होती है। हाँ ठीक है, हमें इस इतने काम के लिए पुलिस का सहयोग भी चाहिए, आदमियों का सहयोग भी चाहिए, तो तभी ये काम चल पाता है। नेताओं का सहयोग भी चाहिए। नेताओं के बारे में तो नहीं कह सकता, देखिए हमारे ट्रेड में जी बोलिए बोलिए हजारों आदमी की जरूरत पड़ती है। जैसे पाकिस्तान के जितना भी यहाँ पंजाब के, हाँ पाकिस्तान बॉर्डर पे है पंजाब के, हर घर में वहां पे कच्ची शराब निकलती है, हमने वहां पे हजारों आदमी लगा के उसको बंद करवाया, बंद करवा के लोगों को ठेके से शराब खरीदने पे मजबूर किया गया, तो जाके वहां पे सेलें बढ़ी हैं। सेल बढ़ी है जब इतनी तो ये मुनाफा हुआ है, तभी अगले साल इतनी बिट गई है जी आगे। यानी पंजाब सरकार का जो आबकारी विभाग है उसका राजस्व बढ़ाने में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही। नहीं ऐसा है, जब सेल बढ़ेगी तो अगले साल बिड भी इनकी बढ़ेगी जी। गौरव कंठ साहब, आपको क्या लगता है, आप पेशे से वकील भी हैं और करीब भी रहे हैं, जाहिर सी बात है हरदीप सिंह के एडवोकेट आप हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी नेताओं के संरक्षण के बगैर क्या इतना बड़ा कारोबार इस तरह से चला पाना इस प्रभाव के साथ, क्या ये संभव है? जहाँ तक नेताओं का सवाल है, नेता कोई एक इंडिविजुअल नेता तो नहीं होते हैं, पूरी स्टेट मशीनरी होती है जो सपोर्ट करती है, और कोई भी बिजनेस जो चलता है उसमें स्टेट मशीनरी का सपोर्ट तो आवश्यक है, उसके बिना मुझे नहीं लगता है कि कोई भी बिजनेस ग्रो कर सकता है। और जहाँ तक मैंने सभी की बातें सुनी हैं इससे ये प्रतीत होता है कि पोंटी चड्ढा जी बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट करते थे और बड़ा ही अच्छा उनका कंट्रोल था, और जिस स्टेट में भी वो काम करते थे वहाँ उनका मैन पावर बहुत ही अच्छा था और लोगों से बहुत ही करीबी रिश्ता था, और मुझे लगता है इसके कारण हर जगह उन्होंने सक्सेस प्राप्त किया है अपने बिजनेस में। आप कह रहे हैं बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, बहुत अच्छा मैन पावर पर उनका कंट्रोल था, लेकिन इसके साथ ही सवाल उठता है कि नेताओं से उनकी जो नज़दीकियाँ थी या जो रिश्ते बनाने की कला थी वो भी उनके काम आती थी, और इसी वजह से कोई भी राज्य सरकार आए, किसी की भी आए, पोंटी चड्ढा का रसूख कम नहीं होता था, उनका जो कारोबार है वो लगातार बढ़ता रहता था। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या पोंटी चड्ढा को नेताओं ने बनाया, बड़ी बहस जारी है हमारी इसी मुद्दे पर, सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। विनीत नारायण साहब, जिस तरह से चर्चा में ये बात सामने आई कि किस तरह से एक बड़ा नेटवर्क था पोंटी चड्ढा का, कैसे वो उसे मैनेज करते थे, आपने खुद बताया किस तरह से उनके अपने अपने दस्ते अलग अलग हुआ करते थे छापेमारी के लिए, सवाल ऐसे में उठता है कि जो आबकारी विभाग है राज्य का वो क्या करता था अगर पोंटी चड्ढा अपने ही दस्ते लेकर के ये सब काम किया करते थे तो? बहुत वैलिड सवाल है,
और आबकारी विभाग का काम है नकली शराब रोकना, शराब कितनी बिक रही है उस पर निगाह रखना और एक्साइज की चोरी को रोकना, मगर खाली ये यूपी या पंजाब या उत्तरांचल की बात नहीं है। कुछ समय पहले मैंने एक स्टोरी की थी कर्नाटक को लेकर, जिसमें एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर बेचारे अपनी जान बचाते फिर रहे थे। एक आदमी जो आर्म्स बनाता है, और एक बड़ी खतरनाक और संवेदनशील बात है, वो बंदूक के ऊपर वही नंबर डालता है जो 10-15 बंदूकों पर डाल देता है, और एक लॉट कश्मीर में बेचता है, एक कर्नाटक में बेचता है, एक आंध्रा में बेचता है, जब वो पकड़ा जाएगा कभी तो सारे लोग जो इस नंबर की बंदूक रखे हैं वो सब जेल में चले जाएंगे अवैध हथियार रखने के चक्कर में। वहाँ एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं बैठता, बंदूक के निर्माण से की जगह से एक्साइज डिपार्टमेंट नहीं बैठता। तो इस तरह अंधेरगर्दी के साथ ये काम होता है उत्पाद शुल्क का, कि जिसमें सब लोगों को पनपने का मौका मिलता है। बिल्कुल यशवंत सिंह जी, अब अगर एक बड़ा व्यवसायी जो है वो खुद ही अपने छापेमारी के दस्ते रख रहा है, ऐसे में राज्य का आबकारी विभाग बिल्कुल बेकार हो जाएगा, उसके लिए तो कोई काम बचेगा नहीं। तो आपको नहीं लगता कि इसमें तो राज्य सरकार आंख मूंद के बैठी है, या उसका कहीं ना कहीं एक तरह से सहमति है उस कारोबारी को, इसी वजह से वो ये सब कुछ कर रहा है? देखिए, एक बात की लगता है आपको जानकारी नहीं है, या जो बहस में हिस्सा कर रहे हो शायद उनको भी न जानकारी हो। कंट्रैक्टर मतलब होता है सेमी गवर्नमेंट वर्कर, वह अर्ध सरकारी कर्मचारी कहा जाता है। वो जब अच्छा काम करता है, मुनाफा कमाता है तो उसको प्रशस्ति मिलती है, और जब खराब काम करता है, गलत काम करता है तो पेनाल्टी होती है, रिकवरी होती है। हम सरकार के उसको श्रम संविदा के जो कर्मचारी होते हैं, जो उस तरीके से उसको मान के चलिए कि हम उसको अर्ध सरकारी के तरीके से एग्रीमेंट और बांड के साथ उससे काम लेते हैं, और जब वो अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ होती है, और खराब काम करता है तो पेनाल्टी भरता है, उसकी नीलामी होती है, कुर्की होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो व्यवसायी है और ठेकेदार है, वो सरकार का अर्ध कर्मचारी है, उस अर्ध कर्मचारी के हिसाब से काम सरकार करता का अर्ध कर्मचारी है। आप लोगों को ये कह रहा है यशवंत सिंह, जिस तरीके की बात बता रहे हैं, परंपरा रही है इस तरीके की। जब लॉटरी सिस्टम भी हुआ करता था तो जिस ठेकेदार को जिले का ठेका मिलता था वो पहलवान रखा करते थे कि कोई उनको रास्ते में रोके ना, गलत शराब कोई बेच रहा उसको पकड़ा जाए। लेकिन पोंटी चड्ढा का जो छापेमारी का दस्ता था वो डिफरेंट था। इसको अर्ध सरकारी इसलिए नहीं कह सकते कि सिर्फ उनका काम शराब के ऊपर नियंत्रण करना नहीं था, वो दस्ता जो खनन माफिया थे वो खनन विभाग में भी इन्वॉल्व थे, उसको भी देखना उनका काम था, जो मिड डे मील का काम था उसको भी वो देखते थे। एक तरीके से पूरे पैरेलल सिस्टम चला रहे थे, जो काम पुलिस का है वो एक्साइज डिपार्टमेंट का था। फिर एक सवाल ये उठता ना कि आप अर्ध सरकारी यानी किसी भी डिपार्टमेंट में एक अलग मंत्रालय डिपार्टमेंट होता है, तो सरकारी कर्मचारी सब तरह के काम नहीं करता, लेकिन ये ऐसा कौन सा अर्ध सरकारी कर्मचारी है जो सारे ही काम कर लेते हैं? आप ये देखिए, रियलिटी स्टेट में भी जाओ तो वहां भी आपको प्रेफरेंस मिल जाती है, और रियल वैल्यू फूड के माध्यम से 10,000 करोड़ का आंगनवाड़ी केंद्रों में दलिया वितरण और दूसरा सामान देने का ही मिल जाता है। शराब का ठेकेदार का तो एकाधिकार है, शराब के ठेके का तो नहीं, शराब का था, खनन का था। आप चीनी मिलों पे देखिए, एक तरीके से बिक्री हुई, नीलामी हुई, तरफा एक तरह से उनका राज चला। मिड डे मील की बात आप खुद कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने आंगनवाड़ी का पूरा अनाज उठाया, तो जहां पर उनकी नजर पड़ी और उन्होंने चाहा कि हमको ये मिलना चाहिए, सरकार उन्होंने दिया। अब जहां उनकी नजर नहीं पड़ी वो किसी की किस्मत में लग जाए तो बात अलग है। यहां पे हम कह सकते हैं कि जिस जिस चीज को चाहा पोंटी चड्ढा ने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 10 सालों में, उसे उसने हासिल की। तो विजय जी, बहुत संक्षेप में तस्वीर कैसी दिखाई देती है? देखिये, कुल मिलाकर हम ब्रेक में जो बात कर रहे थे वही मैं कह देता हूँ कि कुल मिलाकर पोंटी पॉलिटिक्स, पुलिस, पैसा और पत्रकार, कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस हमें दिखता है जो अभी की डिबेट से कम उभर के सामने आता है। और सिर्फ पोंटी चड्ढा इसमें अकेले नहीं है, ऐसे कारोबारी अलग अलग राज्यों में आपको दिखेंगे जो बहुत रसूख वाले हैं और बहुत करीब हैं नेताओं के।